नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा का मंडलीय सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी नगर के नेहरू हॉल सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षकों ने अपने अपने विचार को साझा किया और सरकार ने समस्याओं के निराकरण की मांग भी की। आपको बता दें, मंडलीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि का शिक्षकों ने माल्यार्पण व अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान शैक्षिक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शिक्षकों ने कहा कि जनपद एवं प्रदेश में अनेकों शिक्षक संगठन हैं। संगठनों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी पूर्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। शिक्षकों का हित एक वर्ग विशेष के स्वार्थ से जोड़कर भेदभाव बढ़ाता जाता रहा है, इसके परिणाम स्वरूप संगठन में संकीर्ण गुटबाजी जैसे विघटनकारी शक्तियां विकसित होने लगी हैं। इन्हीं तमाम परिस्थितियों से तंग आकर SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक शिक्षक विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु आजमगढ़ की संगठनात्मक स्थिति में सुधार करते हुए विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा उपेक्षित एवं प्रताड़ित शिक्षकों को एक सूत्र में बांध कर अपने हक हुकुम एवं सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन का गठन किया गया है। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि दलित कर्मचारियों व शिक्षकों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उसकी आवाज उठाने के लिए सम्मेलन की चर्चा की गई और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने और समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैं सुशील कुमार, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट, और दूसरे मैं यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय के जो है ये तत्वाधान में जो गोष्ठी गठित है उसमें मुख्य अतिथि भी मैं हूँ और मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि तमाम प्रदेश भर में जो दलित छात्रों के दलित शिक्षकों के प्रति कर्मचारियों के खिलाफ जो ये अत्याचार हो रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उसके लिए हम एकजुट होकर के क्या कहते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं। यहाँ एक शैक्षिक गोष्ठी भी है जिससे क्या कहते हैं हम लोग विचार करेंगे और उसका जो है निराकरण के लिए जो है एक अपना आम राय बनाएंगे, और उसी के साथ ही साथ जो है हम अपनी आवाज़ भी सरकार तक यह पहुँचाना चाहते हैं कि यह जो है अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार जो है इतने वर्षों से हम जो है लोग जो है संघर्ष करते आ रहे हैं, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप चूंकि अगर क्या कहते हैं सरकार में है तो आप हमारी बात सुने, उसका निराकरण सोचें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग को अपने अनुसार जो है कुछ न कुछ क्या कहते हैं अतिरिक्त करना पड़ेगा। अच्छा, नई शिक्षा नीति जो है, हाँ, टीचर भी डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे भी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका क्या कहेंगे, क्या है सर? एक्चुअली क्या है ना, जैसे नई शिक्षा नीति और दूसरी चीज एक और है कि उसमें जो फीस वृद्धि वाला भी मामला। अच्छा ये बताइए, जैसे मतलब जो गरीब परिवार का बच्चा है और एक अमीर परिवार का बच्चा है, जो पहले क्या कहते हैं 200 रुपया फीस हुआ करती थी, 150 रुपया सालाना फीस हुआ करती थी, मान लीजिए इंटर कॉलेज में, और अचानक क्या कहते हैं बोर्ड की फीस जो है जो 90 रुपया हुआ करती थी, अचानक 600 रुपया 700 रुपया बढ़ा दिया गया। और जो BTEC जो इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जो फीस हुआ करती थी उसको भी कई गुना बढ़ा दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या है, गरीब घर का बच्चा जो है पढ़ लिख नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी फीस मुश्किल से वह दे पाता है, और जब इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई तो वह मुश्किल से ही वहाँ तक बारे में सोच पाएगा। और ये लग रहा है कि साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जब फीस ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो वो गरीब तबके का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, और बच्चा जब पढ़ नहीं पाएगा तो जहाँ वो है वहीं से वो और बैक होता चला जाएगा। और यह जैसे लग रहा है कि देश में एक कंस्पायरेसी चल रही है कि जो अमीर है वो अमीर बना रहना चाहता है और गरीब को जो है अवसर नहीं देना चाहता है, वो अपने समान मतलब समान अवसर नहीं देना चाहता ताकि वो उनके बराबर पहुँच ना पाए और उनका अपना जो है वो चलता रहे। ठीक, लगातार जो गरीब बच्चे हैं छात्रवृत्ति लोग को लेकर के मांग करते हैं और अधिकारियों द्वारा भी उनका संज्ञान नहीं लिया जाता है, प्रदेश सरकार जो है लगातार इस पर फेल दिख रही है, इस पर आप नहीं, एक्चुअली यही तो है, यही कॉन्स्पिरेसी एक तरह से चल रही है। सरकार अपने स्तर से चल रही है, सरकार के लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, हर जगह पर प्रताड़ित करने वाला भी वही वकील बन जा रहा है, वही पैरोकार बन जा रहा है, वही अधिकारी बन रहा है, हर स्तर पे प्रताड़ित किया जा रहा है, हर स्तर पे क्या कहें इस तरह की आवाज़ उठाई जा रही, मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जाएँ तो जहाँ कहाँ जाएँ, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि इसका कुछ हल निकाला जाए, उसके लिए जोरदारी से आवाज़ उठाई जाए। और छात्रवृत्ति के लिए जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, छात्रवृत्ति जो है जातिगत देखते हुए कि SC OBC जनरल, तो जनरल के पहले आ जा रहे, फिर कभी OBC के आ जा रहे, कभी OBC के नहीं आ रहे, कभी SC के आ जा रहे थोड़ी बहुत,
तो यह जो है एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इच्छा शक्ति की कमी है और एक एक विशेष वर्ग को ज़्यादा मतलब फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। और मैं डॉक्टर दुजराम यादव, रिटायर्ड प्रिंसिपल, श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी, आजमगढ़। इसका उद्देश्य यही है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उपेक्षित हैं, समाज में उनको समता का अधिकार प्राप्त नहीं है, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक नई चेतना जागृत करना है। और दूसरा जो इस सम्मेलन का मुख्य विषय है वह शिक्षा नीति है। भारत में निरंतर शिक्षा जगत में प्रयोग हो रहा है, उस पर कोई ठोस कार्य नहीं हो रहा है। यह मेरे ख्याल से जो नई शिक्षा नीति है वह भी एक प्रयोग है, और उस प्रयोग के माध्यम से वर्तमान सरकार जो है उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने दलित वर्ग के बच्चों को उसी काबिल बनाएं कि वो चपरासी और क्लर्क से ज़्यादा पद हासिल ना कर सकें। आप पूछ सकते हैं तो उनके बच्चे, उनके पास तो इतनी संपत्ति है कि वे कन्वेंट स्कूलों में पढ़ा करके और फिर पैसे के बल पर विदेशों में भेजते हैं, और वहाँ से जब आते हैं तो उनको अच्छी नौकरी देते हैं। एक सामान्य वर्ग का बच्चा जब PCS, IAS या अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होता है तो अंक तो उसे मिल जाते हैं, लेकिन मौखिक परीक्षा में उन्हें सबसे कम नंबर दे दिया जाता है, अच्छा उत्तर देने के बाद भी। और इसको मैंने खुद अनुभव किया है। उच्च शिक्षा सेवा आयोग में गया था एक्सपर्ट बन करके, तो मुझसे साफ कहा गया कि ये SC के हैं, ये OBC के हैं, इनको इतना नंबर दीजिएगा तो ये तो जनरल सीट में चले जाएंगे। तो मैंने कहा इससे क्या हुआ, मैं तो दूंगा। 40 में मैंने 39 नंबर दिया था, और एक तिवारी जी थे लखनऊ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने भी 38-39 दिया था, और अंत में निकले हम लोग तो हम लोगों ने कहा कि इसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। मैंने पूछा क्यों, कहे आप जो भी चाहिए दीजिए, फाइनल वाला अंक पत्र तो हम बनाते हैं, तो आप वाला फाड़ के फेंक देंगे, फाइनल वाला उनका सही हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। वही हालत IAS में भी है, PCS में भी है, वहाँ भी इंटरव्यू के समय सही उत्तर देने के बाद भी लड़कों को उलझा करके परेशान किया जाता है और फेल कर दिया जाता है। मुझे नाम नहीं मालूम है, रानी की सराय का ही कोई लड़का था, 3 बार उसे भटकाया गया, अंत में जा कर के तीसरी बार के कब उसका हुआ। अच्छा सर, ये वो दलितों के नाम पर यूनिवर्सिटी बनवाती है, ये आजमगढ़ में भी यूनिवर्सिटी बन गई, राष्ट्रपति को दलित बना दिया, लेकिन आपका कहना है कि जो जातिगत एक भावना है वो हावी है भारत में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसको एक स्टंट बनाती है, देखिए भारत भारत जो है उसकी सामाजिक संरचना देखिए कि वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था समझ ही रहे हैं आप लोग, तो उस पर आधारित है। और जो यह नीति चल रही है कि दलितों को राष्ट्रपति बना दिया जाए, उनके नाम पर संस्थाओं का नामकरण कर दिया जाए, यह केवल वोट की राजनीति है, यह निष्पक्ष
चुनाव नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व भी चाहे कांग्रेस रही या जो भी लोग रहे, उन लोगों ने इस तरह की राजनीति नहीं की थी। वे अगर दलित को चुनते थे तो उसमें वह काबिलियत होती थी, जैसे बाबू जगजीवन राम थे। लेकिन आज जो हैं, या तो मूक लोगों को या गूंगे लोगों को चुना जा रहा है कि वे बैठकर केवल चिड़िया बैठाएं, जो अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए संघर्ष नहीं कर सकता है, उसे इतने उच्च पद पर बैठकर शोभा नहीं देती। क्या आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत में कोई फैसला नहीं लिया जाता, लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा सारे काम किए जाते हैं, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा फैसला नहीं दिखता है, मौजूदा 8 सालों में नहीं देखा गया कि राष्ट्रपति ने किसी दलित के लिए किया हो या राष्ट्रपति ने आवाम के लिए कोई डायरेक्ट फैसला लिया हो? इसके पहले भी दलित ही थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने कौन सा काम किया? आप ही लोग बताइए, आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग जानकारी ज़्यादा रहते हैं, हम लोग तो मैंने ले मैन है इस फील्ड में। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई काम आप लोगों को दिखा? आप लोग समाज से आते हैं? नहीं, मुझको तो कोई नहीं दिखा, मुझको तो कोई काम नहीं दिखा। और जा एक मिनट ठहर, आजमगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजकीय धान केंद्र पर धीमी गति से शुरू हुई धान की खरीद। आपको बता दें, अद्रवलिया स्थित राजकीय धान केंद्र 2022-23 धान की खरीद शुरू हो गई है, जो कि खाद विभाग विपणन शाखा के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें सामान्य धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल व ग्रेड ए धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल लिया जा रहा है। वहीं धान में 70% नमी वाले धान खरीदे जा रहे हैं। धान की खरीद केवल पंजीकृत किसानों के लिए किए जा रहे हैं, जो 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2023 तक चलेगा। अतरौलिया स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र पर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक धान की खरीद हो रही है। केंद्र प्रभारी सौरभ द्विवेदी ने बताया कि 15 नवंबर से सुचारू रूप से धान क्रय केंद्र चल रहा है, अभी खरीद चालू है। अभी तक 32 किसानों से लगभग 1400 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें प्रत्येक 300 क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष किसानों का धान नहीं आ रहा है। धीरे धीरे पंजीकृत किसान बारी बारी से अपने धान को क्रय केंद्र पर ला रहे हैं। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि धान क्रय केंद्र पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। केंद्र प्रभारी द्वारा किसान हित में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। आए सुनाते हैं कि किसानों ने क्या कुछ। क्या नाम भैया आपका? जगदम्बा प्रसाद यादव। कहाँ के निवासी? बोंडराल श्रीरामपुर। अच्छा, आज आप यहाँ धान लेके आए हैं? हाँ, धान बेचने आए हैं। तो कौन सा नंबर था आपका? पांचवा नंबर। क्या दिन से खरीद होना चालू हुई यहाँ? हफ्ता भर से ऊपर हो गया, और हो गया होगा। आपको धान बेचने में कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या नियम कानून बताए हैं धान लेने के लिए? आपको ऐसा कुछ बताया गया है धान इस प्रकार का लाइए? मतलब मंसूरी धान बताए हैं, और जो भी इनके वैरायटी हैं बोल रहे हैं कि लाइए, ले रहे हैं सब। डर कह रहे हैं कि आप उसवा के लाइए, नहीं तो हम डस्टर लगवाएंगे। डस्टर लगवा रहे हैं, उनके नियम के अनुसार डस्टर चल रहा है, हम लोग संतुष्ट हैं। क्या रेट के, कुछ रेट के बारे में जानकारी? 2040 सरकारी रेट, मतलब हम लोग पता है। हाँ, 2040 2060 मतलब नंबर ए है, बी में 2040 है। खरीद अच्छी चल रही है? हाँ हाँ हाँ, खरीद कोई दिक्कत नहीं। विजय प्रताप सिंह, कहाँ की निवासी हैं? कुप्पावार बाग गांव। आज आप यहाँ पे धान का केंद्र पे धान बेचने आए हैं? जी जी जी। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत? दिक्कत तो कोई नहीं। परेशानी के बारे में बताइए, कैसे आपने पंजीकरण किया लेकर? हम ऑनलाइन रजिस्टर करवाए थे, उसके बाद हमको हमारे साथ मिले आकर के, यार हमारा नंबर लगा है, तो होगी हमारी। कौन सा नंबर लगा था? हमारा 6वां नंबर है। हाँ, तो धान लेने के लिए यहाँ पे जैसे तौल में कोई दिक्कत नहीं? तो कोई दिक्कत अभी नहीं आई है, हम कई फाल से बेच रहे हैं। नंबर से बेचे जा रहे हैं? हाँ, नंबर से बेचे जा रहे हैं। कई दिन से खरीद यहाँ चालू हुई है? अरे लगभग 10-12 दिन हो गया। 10-12 दिन। हाँ, आजमगढ़ के बूढ़नपुर से है, जहां तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना के धनघटा गांव निवासी सत्यराम यादव का आरोप है कि मेरी विपक्षी राम मिलन पुत्र बरसाती द्वारा गांव के रास्ते पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक की गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा हल्का लेखपाल द्वारा रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रास्ते का विवाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है।
उच्च अधिकारियों के अनुदेशों का पालन हलका लेखपाल और पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि विपक्षी का पौत्र सचिन पुत्र गुलाब यूपी पुलिस में सिपाही पद पर तैनात है, जिसके द्वारा वर्दी का आरोप दिखाया जाता है, साथ ही मारपीट व गाली गलौज की जाती है। स्थानीय पुलिस पर भी विपक्षी ही मदद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांव का रास्ता बाधित हो रहा है। मेरे द्वारा इसकी शिकायत पुनः जिलाधिकारी से की गई है। उन्होंने रास्ते पर अवैध अतिक्रमण रोकने के लिए राजस्व निरीक्षक और स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया है, फिर भी हल्का लेखपाल और पुलिस द्वारा अभी तक रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला दीवान न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अगर हल्का लेखपाल और पुलिस द्वारा अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है तो जाँच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। है ग्राम धनघटा पोस्ट केशवपुर जिला आजमगढ़ है। सर हमारे यहाँ हमारे चाचा है, हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं, रास्ते में अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। हमारे चाचा के पोता जो है पुलिस में है, वो आता है चौकी पे यहाँ वहाँ मिल के ज़बरदस्ती करता है, गाड़ा भी पाट लिया है और उसके बाद जो है रास्ता रोक रहा है। लेखपाल आए थे और उसके बाद यशो साहब ने बोला कि जाके देखो, अपने खुद आए थे, स्वयं देख के गए, कह रहे जब तक न्यायालय मुकदमा तब तक कुछ नहीं करना है। और लेखपाल साहब को मैंने दे दिए कि जाके देख रहे हो। लेखपाल साहब पैसा ले लिए उधर से, हमसे मांग रहे थे, हम नहीं दिए तो जो 20,000 रुपया लेखपाल मांग रहे थे। हाँ, उसके बाद जो है उधर से रिपोर्ट हमारे तरफ नहीं लगाए, वो अपनी मर्जी से मिल के दे दिए। साहब हमारा न्याय हो और क्या चाहते हैं, हमारा रास्ता रहे, हमें आधा दे दें। जी सुलह समझौता हुआ था, उसमें लिखा था कि हमें रास्ता चाहिए, रास्ता में जो लिखवाए हैं पैमाइश के लिए 16 कड़ी हम करें लिखवाए हैं, वो चाचा कहते हैं, लेकिन वो कहाँ लिखवाए, बिना पैमाइश के कैसे मालूम होगा कहाँ पे है, वो नंबर कहाँ पे है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो। ये सब न्यायालय से बड़े हैं, लेखपाल साहब कहते हैं अपना बनाओ, न्यायालय नहीं मानते। नहीं न्यायालय नहीं मानते हैं। को आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु उप जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। आपको बता दें ग्राम सिकंदरपुर स्थित गाटा संख्या 3 रकबा 1.896 हेक्टेयर जमीन पर दो पक्षों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसमें एक पक्ष सत्य प्रकाश पांडे द्वारा उप जिलाधिकारी बुरहनपुर न्यायालय में धारा 145 CRPC के तहत एक वाद दाखिल किया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी बुरहनपुर द्वारा धारा 146 के क्रम में सिकंदरपुर में स्थित गाटा संख्या 3 की भूमि को कुर्क किए जाने का आदेश पारित कर प्रभारी निरीक्षक अतरुणा को आदेशित किया गया है कि उक्त भूखंड को कुर्क करके स्वयं अथवा किसी निष्पक्ष व्यक्ति को सुपुर्दगी करें। इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय पक्ष ने अपर जिला न्यायालय कोर्ट नंबर 3 में निगरानी दाखिल की है। अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी तत्वों को संज्ञान में लेते हुए निगरानी को निरस्त कर दिया तथा उप जिलाधिकारी बुरहनपुर के आदेश की पुष्टि कर दी। वहीं एक पक्ष सत्र प्रकाश पांडे ने उप जिलाधिकारी के आदेश व न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने हेतु उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। सत्य प्रकाश पांडे ने बताया कि विवादित भूखंड पर कभी भी मार झगड़ा हो सकता है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विवादित भूमि को कुर्क किया जाना अति आवश्यक है, न्यायालय का आदेश का अनुपालन थानाध्यक्ष द्वारा कराया जाए। आइए सुनाते हैं कि सत्य प्रकाश पांडे ने क्या कुछ कहा। नाम पता बताते हुए बताइए कि क्या परेशानी है, आप उप जिलाधिकारी के यहाँ आए थे, प्रार्थना पत्र दिए हैं, इसके बारे में बताइए। मैं सत्य प्रकाश पांडे ग्राम सिकंदरपुर का निवासी हूँ, अतरौलिया आजमगढ़। मेरा परेशानी यही है कि मेरा जमीन यहाँ सिकंदरपुर गांव में मेरी एक जमीन है, वो पुश्तैनी जमीन है, उसके खिलाफ बाबत तमाम मुकदमे चले और उस मुकदमों में एक प्रभाकर तिवारी बीच में आ गए। मुकदमे के दौरान ही बैनामा लेकर गलत ढंग से, फर्जी ढंग से, और उसे कब्जा करने की कोशिश करने लगे, बड़ा दबाव बनाए, हम लोगों को बहुत झेला है। उसके बाद हम DM साहब और यहाँ थाना अध्यक्ष की रिपोर्ट के अनुसार 145/46 का भी यहाँ पर मुकदमा चला, जिसमें SDM साहब ने उसको कुर करके एसपी महोदय अतरौलिया को आदेशित किया था कि उसको कुर करके थाना नियुक्त किया जाए। उसके खिलाफ ये गए प्रभाकर तिवारी चले गए वहाँ दीवानी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ, वहाँ से उनकी निगरानी खारिज हो गई और SDM साहब का 12/10/21 का आदेश जिसमें
थाना अध्यक्ष अतरौलिया को घाटा नंबर 3 सिकंदरपुर स्थित जमीन के रकबा 101.896 कड़ी का को कुर्क करके सहना नियुक्त करके उसको सुपुर्दगी करा दिए जाने का आदेश हुआ था, वह बहाल कर दिया गया है। और हम चाहते हैं SDM साहब के यहाँ मैंने प्रार्थना पत्र दिया और थाना अध्यक्ष चतौलिया महोदय से भी मेरी निवेदन है कि उस विवाद की स्थिति को न बढ़ने पाए, इसलिए उसको आदेश को 12/10/21 के आदेश को पालन करते हुए इस जमीन को घाटा नंबर 3 रकबा 101.896 माननीय दीवानी न्यायालय के आदेश एवं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन कराते हुए उसे कुर करके सहना नियुक्त कराएं और मुकदमे में जिसका स्वत्व हासिल होगा और अन्य मुकदमों में हाई कोर्ट से लेकर दीवानी न्यायालय से वह उस जमीन का मालिक होगा। यही मेरा निवेदन है जिससे कोई विवाद। आजमगढ़ से है जहां पूर्वांचल की साहित्यिक और सांस्कृतिक धरती पर आजमगढ़ के निवासी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत मिजोरम प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस देश के कर्मठ ईमानदार व व्यवहार कुशल पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने पूर्वांचल के जाने माने प्रमुख समाजसेवी रंगमंच एवं फिल्म अभिनेता अरविंद चिक्रंस द्वारा लेखन एवं संपादन के प्रकाशित पुस्तक भोजपुरी फिल्मों व लोक संगीत से भोजपुरी वासियों का सरोकार को अपने आजमगढ़ प्रवास के दौरान माता दुर्गा निवास कुलघाट पर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत की कोऑर्डिनेटर सारिका श्रीवास्तव के साथ अवलोकन करते हुए कहा कि ताकत की भी जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा होना होता है, और दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम और समर्पण ही काफी है, चाहे वो देश के प्रति हो चाहे वो समाज और संस्कृति के प्रति हो। अरविंद चित्रांश विगत कई वर्षों से भारतीय लोक संस्कृति के संरक्षण और प्रस्तुति परक प्रदर्शन के साथ रंगमंच और फिल्मी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। इनका प्रयास रहता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रभावशाली है। आपको बता दें कि अरविंद चित्रांश के लेखन व संपादक में भोजपुरी फिल्मों के लोक संगीत से भोजपुरी वासियों का सराकार नामक पुस्तक में विदेश से आए विद्वानों के विचार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भोजपुरी सम्राट एवं सांसद मनोज तिवारी मृदुल और स्वयं मिजोरम के प्रदेश के DGP देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने अपना शुभ विचार और प्रमुख रूप से शुभ संदेश दिया। के निजामाबाद क्षेत्र के प्रजापति समाज के सभागार में भाजपा पदाधिकारी व कुम्हार समाज के लोगों ने PM के मन की बात को सुना। बता दें कि PM के मन की बात में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के ब्लैक पॉटरी उद्योग को UP सरकार ने एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार के साथ ही देश के प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात में भी ब्लैक पॉटरी उद्योग की चर्चा की। PM के मन की बात को सुनकर जहां एक तरफ ब्लैक पॉटरी उद्योग में जुड़े लोगों ने PM को धन्यवाद दिया, तो वहीं विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक भी कुमार समाज के लोगों के बीच बैठकर PM के मन की बात को सुना और कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार छोटे छोटे जिलों के लघु उद्योगों को देश के अन्य भागों और विदेशों तक पहुँचाने का काम कर रही है। इसके लिए सरकार लगातार जागरूकता अभियान चलाने के साथ उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री के मन की बात प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को होती है। हम सब कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में विभिन्न बूथों पर भी सुनते हैं। आज एक विशेष अवसर था, यहाँ पॉटरी के जो कारोबारी जो काम करने वाले लोग हैं वो उन्होंने समूह के रूप में सुनने का तय किया। मुझे भी इन लोगों ने बुलाया था, हम सब लोग भी यहाँ एकत्र हुए। अच्छा लगा इनके साथ काम करके, इनके साथ सुन करके। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार का काम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उन उत्पादों का प्रचार प्रसार करना, उनके बारे में जागरूकता पैदा करना, जो लोग बना रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने का काम करना। सरकार फैसिलिटेट करने का काम कर रही है, प्रचार प्रसार करने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर पॉटरी उद्योग बढ़े, तरक्की करे, इसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। नहीं, ब्लैक पॉटरी का जो निजामाबाद की पहचान है उसको और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। सरकार फैसिलिटेट कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, और बढ़े और तरक्की करे, इसमें आपके भी सहयोग की जरूरत है, मेरे भी सहयोग की जरूरत है। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, मन की बात सुनने में बहुत अच्छा लगा, और हमारे उत्तर प्रदेश का नाम आता है, उसमें आजमगढ़ का भी आता है और ख़ासतौर से ब्लैक पॉटरी की बात आती है। तो मैं बता दूं, यह ब्लैक पॉटरी का यहाँ का इतिहास 800 साल पुराना रहा है। यह उद्योग लगभग मृत प्राय हो चुका था और
जैसे ही ये सरकार आती है इनकी इतनी अच्छी मंशा होती है कि इन्होंने एक योजना बनाई ODOP जिसमें आजमगढ़ से हमारा ब्लैक पार्टी का चयन होता है। तो यूँ चयन होते ही समझे कि हमें बिना पंख के हम उड़ने लगे, सारी सुविधाएं हमें मिलने लगी और ये उद्योग अच्छा खासा फिर से चल पड़ा। और जो हमारे बीच युवा थे पढ़े लिखे या इधर उधर जा कर नौकरी या भटकते थे, अब सब लोग आकर के अपनी इस पॉटरी में लग गए हैं, अच्छा खासा मतलब प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और आजीविका चला रहे हैं, दूसरों को रोज़गार भी दे रहे हैं, इतना कुछ हुआ है। और साथ ही प्रचार प्रसार के लिए तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ की बनी हुई ब्लैक पॉटरी को जब G7 बैठक में प्रधानमंत्री जापान को माननीय प्रधानमंत्री जब गिफ्ट करते हैं तो हम लोगों का मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और इतना प्रचार प्रसार होता है कि हम लोगों का काम यूँ कहिए कि दिन दुना रात चौगुना हो गया है। तो अच्छी योजना रही है, ऐसी योजना को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। और इस तरह की योजनाएं मेरे समझ से पूरे देश में चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मिट्टी का बर्तन है, चाहे ब्लैक पॉटरी या पॉटरी का काम हो, अगर यहाँ के लोग अपने देश के लोग मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग जो आज एक वैश्विक समस्या है उसको हद तक भविष्य में समाप्त कर सकते हैं अगर सभी लोग मिट्टी का बर्तन प्रयोग करें। मैं तो कहूँगा सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग मिट्टी का बर्तन प्रयोग करें और इस पॉटरी को जो मिट्टी का बर्तन बनता है इसको एक ट्रेड दे करके लोगों का एक छोटा प्रशिक्षण साल भर या एक 6 महीने या जैसा भी है एक छोटा प्रशिक्षण का कार्यक्रम करें और सब कुछ जागरूक करें, जो युवा इसमें इंटरेस्टेड हों वो रोज़गार लगाएं। ये रोज़गार के इसमें अपार संभावनाएँ हैं और इस तरह से रोज़गार बढ़ेगा, साथ ही पर्यावरण के लिए हम लोग मतलब पर्यावरण को संरक्षित कर सकेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी हमारा भविष्य में हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी और ये जो जीवन है अच्छे से चलता रहेगा। ये मेरी सोच अपनी है और इस तरह से अगर हो तो बहुत ही अच्छा होगा। मेहनगर से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेहनगर में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत लगातार साफ सफाई व फॉगिंग के छिड़काव होने से नगरवासियों को जो राहत मिल रही है वो लोगों में हर्ष व्याप्त है। मच्छरों के प्रकोप से जहां लोग परेशान थे वहीं छिड़काव और साफ सफाई से लोगों को राहत मिल रही है। फॉगिंग व साफ सफाई को लेकर सफाई नायक व सफाई कर्मी वार्ड के लोगों को हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। शनिवार को देर शाम अधिशासी अधिकारी अमिताभ मणि ने फॉगिंग का जायजा लेते हुए उपस्थित व्यापारियों व आम लोगों से कहा कि जिन वार्डों में एंटी लार्वा फॉगिंग के अलावा साफ सफाई की शिकायत हो तो शिकायत बॉक्स में जरूर लिखकर डालें अथवा मुझे तत्काल बताएं ताकि संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। के निजामाबाद से है जहां कस्बा स्थिति सामान्य सुविधा केंद्र निजामाबाद में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण देखने के लिए आज भाजपा उपाध्यक्ष MLC विजय बहादुर पाठक लखनऊ से चलकर सुबह 9 बजे उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 95वां मन की बात कार्यक्रम है जिसका पूरे भारत में 11 जगह लाइव प्रसारण किया जा रहा है। उसमें एक स्थान निजामाबाद सामान्य सुविधा केंद्र था जिसका नेशनल दूरदर्शन ने निजामाबाद से लाइव प्रसारण किया था। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष MLC विजय बहादुर पाठक, जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनोद राय, मनोज यादव, रण विजय राय, संतोष कुमार गौड़, गगन कश्यप, सिराज आजमी, रंजीत चौहान, जयराम उपाध्याय, हरीश तिवारी, बैजनाथ प्रजापति आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से है जहां जिले के तहसील मार्टिनगंज मनमानी ढंग से कार्य प्रशासन अपनी मनमाना कार्य प्रणाली से इन दिनों पूरे तहसील क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पर देखा जाए तो एक पत्रकार के साथ भी तहसीलदार से किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं लेकिन उनकी बात को किस तरह से अनुरोध किया जा रहा है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिले के आला अधिकारियों से बात कराने के बाद भी नहीं बचा मकान। चारों तरफ एक विधवा का घर तहसीलदार महेंद्र बिंद द्वारा बीते गुरुवार को बुलडोजर से ढहवा दिया गया जिसकी चारों तरफ चर्चा बनी हुई है। अरविंद कुमार का घर गिरा दिया गया है, रमा देवी का घर। यह घटना 23 नवंबर 22 की है। घटना से कुछ माह पूर्व वृद्धा रमा देवी अपने पुराने जर्जर मकान में ताला बंद कर तीर्थयात्रा पर प्रयागराज गई थी तो स्वास्थ्य कारणों में आने वाले बड़े बेटे के पास रुक गई। तहसीलदार को अरविंद कुमार ने बताया कि रमा देवी का दीवानी न्यायालय में मुकदमा रमा देवी बनाम गांव सभा विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा जारी सवाल कागजात भी दिखाए गए जिसमें ग्राम सभा बरदा स्थित गाटर संख्या 1146 ख पद पर वाद विचाराधीन होने का उल्लेख कमीशन की रिपोर्ट चिन्हित बंगल का भूखंड हमारा है जिसका मामला राजस्व परिषद लखनऊ में विचाराधीन चल रहा है। यहाँ तो रमा देवी का है जिसका कुटुम्ब रजिस्टर में
मकान नंबर 233 अंकित है। यह नकल 1983 में तत्कालीन सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया है, परंतु तहसीलदार महेंद्र बिंद व लेखपाल वैभव कुमार एवं दीनानाथ राम की टीम ने बगैर किसी पैमाइश के अनुपालन में जेसीबी बुलाकर 75 वर्षीय रमा देवी का जर्जर कच्चा मकान ढहवा दिया, जिससे रमा देवी का सारा सामान जमींदोज हो गया। मौके पर मौजूद अरविंद कुमार सिंह ने अपराधी हंसराज का निर्देश भी दिया है कि जो एक दिन पूर्व 22 नवंबर 2022 को जारी हुआ था, तहसीलदार को दिखाया, जिसमें SDM मार्टिनगंज को निर्देशित किया गया था कि मामले के मूल में जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उक्त आदेश को पढ़ने के बाद लापरवाही भरी लहजे में कहा कि यह न्यायिक नहीं प्रशासनिक आदेश है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, मैं अपनी कार्रवाई करके ही जाऊंगा। उल्लेखनीय है कि 3 दिनों से उन्होंने उस मकान का चक्कर लगाया और बगैर किसी सीमांकन के रमा देवी का बहुत ही पुराना कच्चा मकान ढहवा दिया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रकरण में लोगों का कहना है कि तहसील प्रशासन ने विभिन्न न्यायालयों से द्वारा पुराने कब्जे एवं दिए गए फैसलों व वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के रूप में, जिसमें अस्पष्ट रूप से कहा गया है कि दीवान न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले में राजस्व कर्मी हस्तक्षेप न करे, को दरकिनार कर दिया गया, करा दिया जाए। हाँ, यही तो प्रेयर कर रहे हैं। हाँ, तो यह जमीन इस पे मुकदमा चला ही नहीं है। अरे आप कमीशन रिपोर्ट लीजिए सर, ना पाइए रिपोर्ट देख लीजिए, कमीशन रिपोर्ट, ये जमीन हम हारे हुए हैं, तो ये जमीन कहाँ है, इसको चिन्हित करिए ना पहले। जमीन चिन्हित है वही तो, कहाँ ये वो नहीं है, ये जमीन नहीं तो ये आप अपने हिसाब से इसको चिन्हित करा दिए हैं। नहीं, ये कमीशन की ये दीवानी की नकल है। नवीन पटेल तो एक ही नंबर है ना। नहीं नहीं नहीं, ये कहीं नंबर नहीं है, दो नंबर है सर। जी 1146 जी आबादी दर्ज है, नवीन पट्टी में रहेगी कि आबादी में रहेगी, इसका मामला विचाराधीन है। क्लियर हो गया ना, खा में है ये क्या चीज, खा वाला है अस्पताल में हो गया, खा वाला ये दो साल है। अब उस पर भी ऑर्डर है, आप सर केवल अपनी ही बात मान रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे। हम आपकी बात पूरी सुन रहे हैं, लेकिन शायद आप भ्रमित कर रहे हैं हमें। नहीं, आप सर कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, हमारा यही कहना है कि जब रोजा सर मैं कोई एक हटा नहीं करूँगा, उसे आप ले लीजिए लेकिन सर हम कल कल का रिपोर्ट है, कल की हियरिंग है, अधिकारी साहब बात कर लेंगे। हम आपका कमिश्नर साहब से बात किए थे अभी, जो बात करा हम कमिश्नर साहब कहने की हमसे बात कराइए, हम बात हम कहाँ नहीं मान रहे आदेश, हम कहाँ साहब से लड़ाई कर रहे हैं, अब भी तो अपनी बतिया कहाँ है। कल ही इसमें डेट है, कमिश्नर साहब का ये नंबर, हमने बात किया था, उन्होंने पूछा है कि बोर्ड ऑफ कर्मी में बेचारा नहीं है, हमने पास सर था, मैंने वो पेपर उनको दीजिए, हम कह रहे सर वो हम दिखा चुके हैं, क्या दिन कोर्ट की हम सर हम कह रहे सर बात करें आप वहाँ बात यार LDM साहब के जिस जमीन पे मुकदमा चला सर वो ये है, तार्किक रूप से सोचिए, जैसे अगर हो गया आप नहीं कुछ तार्किक रूप में हम पीड़ित हैं, हमारी हमारा नहीं था। हेलो हेलो तहसीलदार साहब आए हैं, जरा बात कर लीजिए लीजिए। अरविंद श्रीवास्तव बोल थी ले वकील साहब, हम चंद्र सिंह सर मार्टिन आप बात तो कर लीजिए, ऐसे हम बात कर क्या करेंगे, कहे बुलाए यहीं पाए, आप कंसर्न अधिकारी से बात करें, सीधे करें, हम कौन से मुझे अरे तो हमको एक लिखित दीजिए, हमको टाइम दीजिए सर, हम जाएंगे। अभी इस तरह से सर अचानक आ गए, कोई ना नोटिस है ना कोई कुछ है, नोटिस तो देना चाहिए, हम उसके लिए कंसर्न अधिकारी से बात करेंगे, एक नोटिस हमको दे दीजिए। अरे आपको तो पता ही है खाली, वो कौन सा नोटिस का देना है, किस चीज़ का, ये तो आपको पता ही है। आप हमको एक नोटिस दे दीजिए, आप 15 दिन के अंदर आप अपना कर लीजिए, हम जा रहे हैं उत्तर देते हैं। कहा
गई बात कीजिए, हो गई बात, हां नहीं रह पाए दो तीन बार एक बार और ऐसा मत करिए सर, हम मजबूर है देखिए बात, नहीं नहीं आप बिल्कुल मजबूर नहीं, आप जाति कर रहे हैं यार, कोई जाति हां आप जो करना हो करिए, लेकिन हमें याद हो कोई याद है दिल भाई, हम रुक जाए, हमको एक दिन का तो टाइम दीजिए, कल हमारा कोर्ट रुक जाए, हम तो कह रहे रुक जाएंगे, आप हमें कहवाई तो रुक जाए, हम बोल रहे हैं रुक जाए, तो हम चल रहे हैं मार्किंग, चलिए हम भी चल रहे हैं, हम नहीं आप जाए ना रुकवाए सर, प्रणाम सर, अरविंद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर, पत्रकार पर्दा से सर, ये हमारा रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन है सर मामला, नहीं नहीं अब बिल्कुल नहीं सर, 22 को डेट लगी है, मैं इनको कागज़ दे रहा हूँ, तहसीलदार साहब सर देखिए जरा सा बना दीजिए, मैं अभी आपको व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ सर, निरस्त नहीं हुआ, नहीं नहीं सर वापस दू क्या, सर डीएम साहब को बताया नहीं गया कि मामला विचाराधीन है सर, मैं सर मुझको 3 दिन का टाइम दीजिए, मैं कल डेट उसमें कल ही सुनवाई फाइनल हियरिंग है सर, नहीं कल हमारी फाइनल हियरिंग है सर, हम ले आएंगे कागज सर, ठीक है सर 1 दिन का टाइम दीजिए, हम कल ले आते हैं, 1 दिन का टाइम दे रहे हैं सर, आप बात कर लीजिए, हाँ तो वही मैं कर रहा हूँ, हाँ बात कर, में शहर के पश्चिम छोर पर बसे ग्राम लखनपुर स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले व शिक्षा क्षेत्र में आजमगढ़ जनपद को एक नई दिशा व दशा प्रदान करने वाले बाबा बैजनाथ जीपीजी कॉलेज के गोदपुर किशनदासपुर आजमगढ़ के प्रबंधक संजय कुमार राय भी शिरकत करने पहुंचे थे। प्रभु के पूजन के उपरांत कार्यक्रम में मंदिर के जीर्णोद्वार व सुंदरीकरण के बाद पर बाबा बैजनाथ पीजी कॉलेज आजमगढ़ के प्रबंधक संजय राय ने 21,000 की सहयोग राशि प्रदान की, मंदिर के संरक्षक को इस धनराशि दी गई। आपको बता दें कि लखमनपुर में स्थित श्री कृष्ण मंदिर कई वर्षों से पुराना है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राय ने कहा कि हम सब प्रभु के ही पुत्र हैं और हमारे आराध्य का मंदिर हम बच्चों के रहते भव्य नहीं रहेगा तो यह पिता के प्रति एक अपराध हो जाएगा। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है और प्रभु के चरणों में मत्था टेकने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। अपने सामर्थ्य अनुसार इस दास से जो भी बन पड़ा है मैं प्रभु के चरणों में समर्पित किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इस बात को लेकर वहाँ उपस्थित सम्मानित व जन ग्रामीणों में लोगों में हर्ष का माहौल था। आपको बता दें कि संजय राय इस तरह के सहयोग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार व लोगों की मदद भी करते हुए देखे जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय कथाकार पंडित श्री गोविंद शास्त्री लाल बाबा लखमनपुर गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उज्ज्वल पाठक, बसपा नेता अरुण पाठक, आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक वेद पांडे, संजय पांडे, ओके मिश्रा, लोकप्रिय मंच संचालक एंकर अभय तिवारी व आसपास क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे।